हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे यूनियन ऑपरेशन। मान लीजिए कि आपके पास दो सेट्स गिवन है, लेट से दो सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं, पहले सेट में एलिमेंट्स हैं 1, 2, 10 एंड 15, और जो दूसरा सेट है लेट से वो S2 है, और जो उसके एलिमेंट्स हैं लेट से उसमें एलिमेंट्स हैं 3, 10, 12, 15 एंड 20। जब आप S1 यूनियन S2 करेंगे तो इसके जो एलिमेंट्स ऑब्टेन होंगे वो होंगे 1, 2, 3। चूंकि 10 दोनों सेट में आता है लेकिन हमारे फाइनल सेट में यूनियन सेट में केवल एक ही बार आएगा, 15 भी सॉरी 12 आएगा, एंड देन 15 भी दोनों सेट में आता है लेकिन हमारे सेट में ये एक ही बार आएगा, एंड देन फाइनली हमारे पास एलिमेंट 20 आएगा। तो S1 यूनियन S2 जो है हमने इस तरह से ऑप्टेन किया। आई होप इस लेक्चर को देखने से पहले आप लोगों ने मर्जिंग ऑफ सॉर्टेड एरेज आपने देख लिया है मेरा लेक्चर, जिसमें मैंने दो सॉर्टेड एरेज को मर्ज करके बताया है। हम यहाँ पे दोनों उसी वाले जो फंक्शन है या उसी वाले एल्गोरिथम में हल्का सा चेंज करेंगे और ये हमारा सेट यूनियन के लिए वर्क करने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक आई ले लिया, लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर पेन। सो लेट्स से हमने आई यहाँ पे ले लिया, और अगर मान लेते हैं कि ये एक एरे की तरह से रिप्रेजेंटेड है तो आई इसका एक इंडेक्स होगा 0 इंडेक्स। सिमिलरली जे हमारा इंडेक्स होगा ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन द सेकेंड सेट। तो अगर मेरा ए आई छोटा है बीजे से तो हम क्या करेंगे कि इसको फाइनल सेट में इंक्लूड कर देंगे और आई को इंक्रीमेंट करेंगे। फिर आई अगेन छोटा है, 2 और 3 को हम कंपेयर कर रहे हैं तो 2 को हम ऐड कर देंगे फाइनल एरे में। फिर इसके बाद हम 3 और 10 को कंपेयर कर रहे हैं, तो इस केस में जो 3 एलिमेंट है वो छोटा है इसलिए 3 को हम इंक्लूड कर रहे हैं फाइनल सेट में और जे को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। और अब आई और जे दोनों इक्वल एलिमेंट्स हो गए, मतलब S1 आई और S2 जे एलिमेंट्स। इस केस में क्या करेंगे कि इन दोनों में से एक ही एलिमेंट को इंक्लूड करेंगे, मतलब क्या है कि या तो आप S1 I ले लीजिए या S2 J ले लीजिए, दोनों एक ही बात है। आपने एलिमेंट को इंक्लूड कर लिया एंड देन उसके बाद आप I और J दोनों क्रॉस दोनों पॉइंटर्स को आगे बढ़ा देंगे, एंड देन इसके बाद आप 15 और 12 को कंपेयर कर रहे हैं। 12 छोटा है तो ये फाइनल एरे में ऐड होगा, J को आप इंक्रीमेंट कर देंगे। 15 और 15 को अगेन आप कंपेयर कर रहे हैं तो एक ही बार 15 ऐड होगा, हमने ऐड कर दिया और उसके बाद आई को इंक्रीमेंट कर दिया और जे को भी इंक्रीमेंट कर दिया। इसके बाद देखिए कि आई अपनी लिमिट को क्रॉस कर गया, क्योंकि आई अपनी लिमिट को क्रॉस कर गया इसलिए बी एरे के बचे हुए जितने भी एलिमेंट्स उनको हम 1 बाय 1 फाइनल एरे में ऐड कर देंगे। इसका मतलब है कि यूनियन एरे में हम ऐड कर देंगे। तो ये जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ही मर्जिंग ऑफ सॉर्टेड एरेज जैसा ही है, बट अ स्लाइट चेंज इसमें करना है, एक एक्स्ट्रा कंडीशन इसमें लगानी है जिससे कि ये वर्क करने लगे। तो आइए हम इसको चेंज करते हैं और इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं अपने पेन का, जिससे कि आपको आसानी से समझ पाए कि कहाँ पे हमने चेंज किया। तो ये जो पार्ट है ये एल्स वाला, यही हम चेंज करेंगे, लेकिन एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि जब तक आई लेस देन एम है और जे लेस देन एन है, इसका मतलब है कि आई और जे दोनों अपने लिमिट में है। हम कंपेरिजन कर रहे हैं कि अगर ए आई छोटा है बीजे से तो सी एरे में ए आई एलिमेंट ऐड हो गया, और अदरवाइज हमें एक और कंडीशन चेक करनी होगी। तो इसी को मैं यहाँ पे एक्सपेंड कर रहा हूँ, मान लीजिए कि ये वाला पार्ट अलग है। तो हमने यहाँ पे एक कंपैरिजन किया यहाँ पे कि अगर बीजे छोटा है ए आई से तो उस केस में हम बीजे एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं फाइनल एरे में, लेकिन अगर ए आई और बीजे दोनों नहीं, ए आई छोटा नहीं है बीजे से और बीजे भी छोटा नहीं है ए आई से, तो निश्चित रूप से ए आई और बीजे इक्वल हैं। तो अगर ये इक्वल है तो हम क्या करेंगे कि सी एरे में चाहे आप ए आई को ऐड कर लीजिए चाहे बीजे को ऐड कर लीजिए, और उसके बाद जब आप इंक्रीमेंट करेंगे तो आई को भी इंक्रीमेंट कर दीजिएगा और जे को भी इंक्रीमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे 3 कंडीशंस हो गई, आप ध्यान से देखिए कि एक तो हो गया कि ए आई लेस देन बीजे, दूसरा हो गया कि बीजे लेस देन ए आई, और तीसरी कंडीशन ये हो गई कि ए आई इक्वल्स टू बीजे। अगर ए आई इक्वल्स टू बीजे इसका मतलब कि मुझे केवल एक बार एलिमेंट को इंक्लूड करना है, कॉमन एलिमेंट मुझे मिल रहा है। तो यूनियन का हम एल्गोरिथम इस तरह से बना सकते हैं, नेम भी चेंज कर देते हैं इस एल्गोरिथम का। भाई इसको कोड करके देखते हैं। तो मेरे पास पहले से एक यूनियन का कोड लिखा हुआ है, मर्ज एरे का कोड लिखा हुआ है, इसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे और ये यूनियन के लिए वर्क करने लगेगा। तो मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया इस मर्ज एरे वाले को और यहाँ पे नाम दे दिया, ये यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। तो यूनियन में ए एरे है, एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका साइज एम है, बी एरे है जो कि सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसका साइज एन है। इन दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स स्टोर्ड है मेरे वो असेंडिंग सीक्वेंस में अरेंज्ड हैं, ऐसा हमने माना है। और ये जो प्रोसेस है उसमें हमने इनिशियलाइजेशन कर दिया है आई जे के का, सी एरे मेरा फाइनल एरे है या यूनियन सेट है,
इसके बाद जब तक आई लेस देन एम है और जे लेस देन एन है, अगर ए आई छोटा है बीजे से तो सी एरे में ए आई का एलिमेंट ऐड कर देंगे, अदरवाइज जो हमने चेंज अभी किया वो चेंज यहाँ पे भी कर देते हैं। कंडीशन चेक करते हैं कि अगर बीजे एलिमेंट मेरा छोटा है ए आई एलिमेंट से तो उस केस में, हमने यहां से एलिमेंट निकाला बीजे से और उसको ऐड कर दिया फाइनल एरे में, और इस एल्स का मतलब है कि दोनों इक्वल हैं। अगर दोनों इक्वल हैं तो चाहिए आपकी ए आई से ऐड कर दीजिए चाहे बीजे से, दोनों एक ही बात है, लेकिन इंक्रीमेंट करते समय आई और जे दोनों को इंक्रीमेंट कर दीजिएगा। सो दैट्स दोज आर ऑल द चेंजेस दैट वी डिस्कस्ड, और बाकी चीजें वही हैं जो हमने मर्ज एरे में यूज किया। अगर कंपेरिजन पॉसिबल है तो कंपेयर कीजिए पहले लूप के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर कंपेरिजन अब पॉसिबल नहीं है तो देख लीजिए कि फर्स्ट एरे में बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको वन बाय वन ऐड कर दीजिए, या सेकेंड एरे में एलिमेंट्स हैं उनको बचे हुए एलिमेंट्स को वन बाय वन ऐड कर दीजिए, और फाइनली आप ट्रेवर्स करके देख लीजिए कि आपका यूनियन सेट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। सुविधा के लिए हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि हमने कुछ डुप्लीकेट एलिमेंट्स ले लिए हैं, लेट्स से फर्स्ट एरे में कुछ डुप्लीकेट एलिमेंट हैं और फर्स्ट एरे के कुछ एलिमेंट्स सेकेंड एरे से मैच करते हैं और सेकेंड एरे के कुछ एलिमेंट फर्स्ट एरे से मैच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले लिया 100 ले लिया 90 ले लिया, तो ये मेरा फर्स्ट एरे हो गया या फर्स्ट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 90 मेरे सेकेंड सेट में भी है, और यहाँ पे हम ऑर्डर्ड इंसर्शन के फॉर्म में एक एलिमेंट और ले लेते हैं, लेट्स से 10 है, एक और एलिमेंट ले लेते हैं लेट्स से 70 भी है। तो इस तरह से ऑर्डर्ड इंसर्शन करके हमने दो सेट जनरेट किए, और उसके बाद फिर हम मर्ज एरे का नाम चेंज कर रहे हैं यूनियन, और यूनियन फंक्शन को कॉल कर लीजिए जिससे कि आपको ये पता चले कि आपके यूनियन के एलिमेंट्स क्या हैं। तो फंक्शन का नाम है यूनियन, ए और बी एरे के एलिमेंट्स को हमने यूनियन कर दिया। तो हमने क्या क्या किया एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि हमारे पास पहले ए एरे था उसको हमने ट्रैवर्स किया डिस्प्ले किया, बी एरे क्रिएट किया या बी सेट को जनरेट किया और उसको उसके एलिमेंट को ट्रैवर्स किया, फिर हमने मर्ज एरे किया और उसको डिस्प्ले किया, फिर हमने यूनियन किया और उसको डिस्प्ले किया। मर्ज एरे और यूनियन में क्या डिफरेंस हम इस बेसिस पे देख लेंगे। तो ये हमने स्लाइड सा चेंज किया क्योंकि जो मर्ज एरे और यूनियन फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली ट्रैवर्स को कॉल कर रहे हैं, इसलिए हमें दोबारा से कॉल करने की जरूरत नहीं है। फाइन, सो नाउ यू कैन सी कि ये हमारा फर्स्ट एरे है, ये मेरा सेकंड एरे या सेकंड सेट है, ये यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें कि तीन एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं 10, 70 और 90। तो मर्ज एरे में जो क्या हो रहा है कि जो एरे रिपीट हो रहे हैं वो दो दो बार दिखेंगे, और ये मेरा यूनियन है जिसमें कि यूनिकली दिखेंगे एलिमेंट्स, जिसका मतलब कि कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, इसका मतलब कि यूनियन फंक्शन मेरा सही चला है और हम इसको डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं मर्ज एरे कॉन्सेप्ट से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल कम इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अनदर सेट ऑपरेशन।